देख रहे हैं द थिंकर टीवी। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली में और यहां पर हमारे साथ युवक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरीके से भारत की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, लगातार भारत रत्न की बौछार है, विपक्ष कह रहा है कि हम यहां पर भारत में बेरोजगारी दर बढ़ गई है और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा चला रहे हैं। पहले बात तो बताइए, राहुल जी जो न्याय यात्रा चला रहे हैं, आपको पता है उसके बारे में? देखिए, मेरे को राहुल जी के बारे में इतना सोचता नहीं, क्योंकि ना मेरा जो ओनली जो थिंक है ना, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोदी जी, मैं स्टॉक मार्केट की फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं देखता हूँ कि निफ्टी कहाँ पर थी और कहाँ से कहाँ पर है। निफ्टी एक टाइम पे हमारी, जब हमारी इकोनॉमी थी ना, वो बहुत ही नीचे थी, और आज के टाइम पे हमारी लगभग 7 से हम लोग उठ के 4th पे आए हैं। तो विच शोज़ कि हाँ, मोदी जी ने कुछ करके दिखाया है। आजकल अगर देखा जाए, अगर मोदी जी का एक वो आ रहा है एक पॉइंट ऑफ व्यू कि अब जो भी मैं करने वाला हूँ, विच इज द बिग डिसीजन फॉर इंडिया, जिसे 100 सालों तक इंडिया को जाना जाएगा। सो आई थिंक कि मोदी जी इज़ द ओनली वन कि जो हमारे इंडिया को लीड कर सकते। जो कहते हैं ना, टाइगर अभी जिंदा है, दोबारा आएगा। अभी कुछ ही समय हुआ बजट पास हुआ, इसके बाद विपक्ष ने इस पर लगातार बोला भी कि ये बजट जो है वो अमीरों के लिए है, इसमें गरीब का कुछ नहीं है। तो आप बताइए थोड़ा सा, आप तो जानकार हैं। देखिए, हर बार ना बजट ना अमीरों के लिए ही आता है, गरीबों के लिए सिर्फ हमेशा आटा राशन और ये सभी आता है। आप लोग बार बार बात करते हैं कि टैक्सेशन में कम नहीं मिला। आप अगर देखा जाए ना कि टैक्सेशन कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, ATC दे रखा है हमको, ATC है, ATD है, ATCCD है हमारे पास। तो हम लोग देखा जाए तो यार, हम लोग ऐसे करके टैक्सेशन को हम बचा सकते। तो ये सब जो ना बाद की बातें कि हमारी गवर्नमेंट ने ये इसके लिए करा, उनके लिए करा, इंडिया का हर एक नागरिक बराबर है, ये हमारे संविधान के अंदर लिखा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अमीरों के लिए और गरीबों के लिए, सबको हर कोई बराबर है। राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो लगातार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है और अपने पॉलिटिकल उसको लेकर हर चीज़ कर रही है, जैसे भारत रत्न भी दिया जा रहा है, तो इस पर भी सवाल उठा रही है। तो भारत रत्न क्या चौधरी चरण सिंह को मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, मैं भारत रत्न किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ना, गवर्नमेंट का पर्टिकुलर उनका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट द ओनली थिंग आई थिंक कि अभी तक जो है ना, एक ऐसे शख्सियत हैं हमारे इंडिया में अवेलेबल, शायद उनको सबसे पहले दिया है, सर रतन टाटा जी की मैं बात कर रहा हूँ। वो अभी हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, तो पहले उनको दिया जाए, उसके बाद मेरे को नहीं पता मैं किसको देना चाहिए नहीं, तो मैं इस पर नहीं टिप्पणी करूँगा। अभी आप तो युवा हैं और राहुल गांधी जी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं और यात्रा अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। तो न्याय यात्रा में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है मोदी सरकार में, क्या लगता है आपको रोजगार को लेकर क्या स्थिति है देश में, मोदी जी कुछ करना चाहिए? देखिए जी, अगर आप बात करें ना कि युवा इधर उधर ठोकरें खा रहा है, मैं तो नहीं खा रहा। मेरी कंपनी के अंदर जैसे वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, तो मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ रोजगार 10 सालों में मिल पाया होगा, 1 करोड़ भी नहीं। देखिए, बात यहाँ पे ना युवा की नहीं है, युवा पहले काम करने वाला तो बने। हमारी कंपनी में अभी इतनी सीट्स खाली हैं कि HR हायरिंग करने के लिए परेशान है। मेरे खुद के नेटवर्क में इतने HR हैं जो खुद कह रहे हैं कि भाई नेटवर्क है तुम्हारे पास, बताओ, रेफरेंस दो। जब हमारे देश का युवा ही काबिल नहीं हो तो हमारे सरकारी कार्यालय में जो वैकेंसी खाली है उस पर नहीं भरा जा रहा है, तो इस पर गलती किसकी है, युवा की है या सरकार की है? देखिए, इसमें ना ही मैं युवा की कहूँगा ना ही सरकार की कहूँगा। इधर ना यहाँ पर जो भी एक सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी गलती ठहराना चाहूँगा। एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो थोड़ा सा पुअर है। हाँ, वो बेशक से वो गांव साइड के, लेकिन अगर दिल्ली की बात करूँ मैं, तो जो कि है ना अभी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। मैं खुद भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और आज के टाइम पे अच्छा खासा मैं भी अर्न कर रहा हूँ, मेरी अच्छा खासा पैकेज लगा है। फ्रॉम द दिल्ली स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से मैं बिलोंग करता था और मैं अभी अच्छी अच्छी जगह CP जैसी लोकेशन पर मैं जॉब कर रहा हूँ। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के स्कूलों को हमने सुधारा है। हाँ, बिल्कुल सुधारा है, मैं खुद भी अगर मैं दिल्ली के स्कूल आपको काम करने में विपक्ष ज़्यादा अच्छा है, जो विपक्ष में बैठा है, इंडिया गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए, मैं इसमें ना एक पॉइंट कहूँगा कि ना मैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर बिजनेस ब्लास्टर्स का कोच हूँ और उसी के अंदर का पैनलिस्ट भी हूँ। यानी कि जो हर साल बिजनेस ब्लास्टर्स होता है, मैं हर साल वहाँ पे बच्चों को जाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ अबाउट द बिजनेसेस, एंड उसी के साथ साथ मैं पैनल के अंदर भी जाता हूँ, उनको पैनल के बारे में बताता हूँ कि पैनल में कैसे कैसे बच्चों को बताया जाता है, कैसे उनको नेक्स्ट राउंड के अंदर लिया जाता है। तो इससे पहले अगर देखा जाए, जब मैं स्कूल टाइम में था, मैं 12th में था, तब आई डोंट थिंक कि वहाँ पे उस टाइम पे बिजनेस ब्लास्टर जैसा कोई एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब आई थिंक कि हमारा इंडिया बूम करने वाला है। तो दिल्ली के जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर थे वो तो जेल में है। हाँ, देखो अब ये जो है ना, इसका क्या है, किसी साजिश के तहत जेल में है कि उनके कारनामे? देखिए, यहाँ पे ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक हो सकता है कि उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज अबाउट द स्कैम्स, कुछ स्कैम्स हो सकते हैं, मुझे मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्या स्कैम किए या नहीं। जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक पर्टिकुलर उनका मुद्दा है। मैं यहाँ पे अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, तो मैं वो बता सकता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया और ये यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी बात की।